Jai Mata Di all. First of all, a big congratulations to all the successful students of the CS Executive Program, CS Professional Program, जिन्होंने अभी 25 फरवरी 2018 को एग्ज़ाम्स पास किए हैं, मे बी वन ग्रुप, मे बी टू ग्रुप्स, मे बी ऑल ग्रुप्स. तो सबको सबसे पहली चीज़ मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. और इस वक्त मैं बात करने वाला हूँ उन सी एस स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोथ ग्रुप्स पास किए हैं एक साथ, या फिर एक एक करके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के दोनों ग्रुप्स पास फाइनली कर लिए हैं और सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम में फाइनली एंटर हो गए हैं ऑन 25 फरवरी 2018. माई करंट डिस्कशन इज़ फोकस्ड ऑन देम. और उनसे बात करने का एक रीज़न है, आज आज मेरे पास एक स्टूडेंट्स कहना चाहिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, माय ओन स्टूडेंट्स केम इन और एक क्वेरी रेज हुई मेरे पास. तो आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर मुझे सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस में एडमिशन लेना है या सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस में एडमिशन लेना है. तो जब ये क्वेश्चन आया कि ओल्ड सिलेबस में या न्यू सिलेबस में एडमिशन लेना है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया. एंड आई होप आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो सब लोग, लेकिन जो कन्फ्यूज हैं तो उनके फ़ायदे के लिए थोड़ा सा एक क्लैरिटी चाहिए. तो उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि सीएस आज की तारीख में अगर आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं इन फेब 2018 और मे बी 1 मार्च 2018 या उसके बाद भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो ऑल ऑफ यू विल एनरोल इन द सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस राइट नाउ. क्योंकि सीएस प्रोफेशनल का जो न्यू सिलेबस कमेंस हो रहा है उसकी जो डेट आई है दैट इज़ 1 सितंबर 2018 ऑनवर्ड्स. और जो सी एस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में एनरोल होंगे ऑन 1 सितंबर 2018 ऑनवर्ड्स, उनके एग्ज़ाम्स ड्यू होंगे जून 2019 में. उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू होगा दैट मीन द जून 2019. जबकि अभी जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे फरवरी 2018 में या मार्च 2018 में, उनका अटेम्प्ट ड्यू होगा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू होगा दैट विल बी इन December 2018 एग्ज़ाम्स. सो आई से आप लोगों के लिए एक बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइस है, जो अभी अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पास हुए हैं और प्रोफेशनल प्रोग्राम में अभी अभी एंटर हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी 28 फरवरी 2018 से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए इन द सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, जो कि दैट इज़ द वन एंड ओनली ऑप्शन. अभी इस वक्त आपके पास प्रोफेशनल प्रोग्राम की ऑप्शन है ही नहीं, तो आप सॉरी प्रोफेशनल न्यू प्रोग्राम की ऑप्शन आपके पास है ही नहीं. तो डोंट इवन गेट कन्फ्यूज अबाउट ऑल दिस. और अभी तो आपको बस ये फोकस करना है कि 28 फरवरी 2018 से पहले पहले एडमिशन हो जाए और उसके बाद आप December 2018 एग्ज़ाम्स में अपीयर हो जाइए, मे बी ऑल थ्री ग्रुप्स, ऑनलाइन पेपर्स एज पर द ओल्ड सिलेबस, और मे बी एनी टू ग्रुप्स इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द टू ग्रुप्स एंड यू फाइंड दैट कम्फर्टेबल. और इन एनी केस ये ओल्ड सिलेबस के एग्ज़ाम्स तो आगे भी चलते रहेंगे. सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस के एग्ज़ाम्स आगे December 2020 तक चलते रहेंगे. तो एज सच आपको कंपलसरी भी नहीं होगा कि आपको ओल्ड से न्यू में स्विच करना ही है, एज सच कोई कंपल्शन नहीं होगी. हालांकि ऑप्शन होगी आपके पास June 19 एग्ज़ाम्स के टाइम पर जो लोग स्विच करना चाहेंगे, लेकिन वो कैलकुलेशंस बाद में करनी पड़ेंगी कि ओल्ड से न्यू में स्विच करते हैं तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने एग्जम्पशन वाइज क्राइटेरिया डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें आपको नया बर्डन अगर कोई लेना पड़ेगा, न्यू टाइप ऑफ सब्जेक्ट कोई उठाना पड़ेगा तो क्या उठाना पड़ेगा, वो सब एनालिसिस होता रहेगा बाद में, वो बात की बात है. लेकिन अभी 100 बातों की एक बात ये है कि 28 फरवरी 2018 से पहले पहले आप ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन करवा लीजिए, सो दैट इफ यू आर प्लानिंग टू गिव ऑल थ्री ग्रुप्स टुगेदर इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम इन December 2018, यू शुड नॉट बी मिसिंग दैट चांस. और 1 मार्च 2018 के बाद अगर आप एडमिशन करवाएंगे तो एडमिशन तो ओल्ड सिलेबस में ही होगा, न्यू सिलेबस में तो नहीं होगा, लेकिन फिर आप प्रोफेशनल प्रोग्राम के ऑल ग्रुप्स नहीं दे पाओगे December 2018 में, अगर आपका कुछ उस तरीके का प्लान है तो. जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सब लोगों के लिए. आई होप नो बडी रिमेन्स कन्फ्यूज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल द फ्रेंड्स हु आर कन्फ्यूज राइट नाउ. थैंक यू सो मच. जय माता दी.